नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। ग्राम पंचायत महुखान से आज ग्रामीण पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। गौरतलब है कि महुखान से दो दिन पहले एक ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जिसमें पुलिस ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि थाना प्रभारी द्वारा इस केस को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि म्याना में इन दिनों चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, इसके बावजूद भी थाना प्रभारी कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाते हैं। साथ ही ट्रैक्टर चोरी हो जाने के 20 घंटे बाद ही इसकी एफआईआर दर्ज की गई। इसी तारतम्य में आज ग्रामीण सरपंच प्रवीण शर्मा के साथ पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय और उन्हें अपना ज्ञापन भी सौंपा। तीन चार तारीख की रात को, 3 तारीख और 4 तारीख के बीच में रात को करीबन 2 बजे के लगभग मेरे चाचा जी हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा गुड्डा, उनका ट्रैक्टर महिंद्रा 275 DI लाल कलर का वो चोरी हो गया। सुबह जब वो 5 बजे प्रेस होने के लिए उठे तो उन्होंने जब देखा कि ट्रैक्टर नहीं है तो उन्होंने घर वालों से पूछा बच्चों से कि ट्रैक्टर कहाँ गया, तो घर बच्चों को पता नहीं था तो उन्होंने ये कह दिया हमको पता नहीं है। फिर उनने उनके बाद गांव के बच्चों से भी पूछा, उन्होंने गांव के लोगों से पूछा तो गांव के लोगों में जानकारी नहीं है। पर गांव के लोग सब इकट्ठे होकर आस पीस के सभी गांवों में गए, वहाँ पे भी जानकारी नहीं मिली। फिर करीब 8 बजे हम म्याना थाने पहुँचे। हमारा गांव म्याना थाने में लगता है, ग्राम पंचायत महुखाने का। म्याना थाने जब पहुँचे तो केवल बिना वर्दी के एक सिपाही था और कोई भी पूरे थाने में नहीं था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है म्याना थाने की। पे कोई भी कार्रवाई इस तरीके की नहीं गई कि 5 लाख अगर इतनी बड़ी मशीन चली गई तो जल्दी कार्रवाई करें। उन्होंने बैठा ले रखा, उसके बाद TI साहब से बात की। TI साहब यहाँ बिना चलने के अपने गृह निवास पे थे, वो आराम फरमा रहे थे। उसके बाद ट्रैक्टर के लिए काफ़ी देर हो जाने के बाद भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से आवेदन लिया हमसे, FIR दर्ज नहीं किया। फिर जब हम अपने स्तर पर ढूंढने के लिए सब लोग निकल गए ट्रैक्टर के लिए, लौट कर आए, जब FIR दोबारा दर्ज करवाने के लिए दोबारा पहुंचे थाने, तो जब जाके रात को उन्होंने करीबन 2 घंटे बिठाने के बाद FIR दर्ज की उन लोगों ने। इतने के बाद भी अगर शायद टाइम पे अगर कहीं ट्रैक्टर की FIR दर्ज करके और वे कोशिश करते, नाकाबंदी करके अगर कोशिश कर लेते वो, तो शायद ट्रैक्टर मिल जाता। अब न जाने कितनी दूर कहाँ निकल गया, क्या आया क्या नहीं है, कोई जानकारी नहीं है ट्रैक्टर की। और आज 4 दिन होने के बाद भी ट्रैक्टर चोरी के 3-4 दिन होने के बाद कोई सुराग नहीं लगा, कोई जानकारी नहीं है और पुलिस उदासीनता बरते हुए है। इसलिए हम सभी ग्रामीण लोग हमारे गांव के इकट्ठे होकर आवेदन देने के लिए आए SP साहब के लिए कि आदरणीय SP साहब कुछ इस पर कार्रवाई करेंगे और हमारा ट्रैक्टर ढुलवाने की कोशिश करेंगे। और बगल के गांव नौतिया में भी चोरी हुई थी 1 महीने पहले क्षेत्र में, 17 कई बार चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन आज तक पुलिस की गाड़ी गश्त देने भी नहीं गई, जबकि शासन की तरफ से डीजल वगैरह सब कुछ मिलता है गश्त देने की, लेकिन नौकरी के प्रति म्याना थाना पूरा उदासीनता में है। शहर समेत अंचल भर में धूमधाम से मनाया गया अनंत चतुर्दशी का पर्व। इस दौरान जगह जगह पर मनमोहक झांकियों की प्रस्तुति भी दी गई। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी की रात्रि में खैंट क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जिनमें झांकियां, ऑर्केस्ट्रा एवं डांस प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है। साथ ही सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता है। विगत रात्रि भी कैंट क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोगों ने विभिन्न आयोजनों का आनंद उठाया। साथ ही वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। तो जी ये मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं।
थे, कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे जिंदा लाशे, किसे जगाते हो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले वादी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहा गया था भाड़ में। शांत करने के केवल दो ही उपाय हैं लक्ष्मण, या तो उनके भीतर की पत्नी को जगाया जाए, या फिर उनके भीतर की मां को। महाकाली को शुभ नहीं, भैरव शांत करेंगे, महादेव का, सदा शिव का बालक रूप। प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शालाओं में अब विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जुड़ने के हेतु चलाए जाएंगे पाठ्यक्रम। इसी तारतम्य में गुना के शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों सिखाए जा रहे हैं मेहंदी लगाने के गुण। इसी तारतम्य में यहां पर 40 छात्राओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इन 40 छात्राओं में से 10 के पास तो अभी वर्क ऑर्डर भी आ गए हैं, जिनसे इन लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही इनके रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मानदेय भी मिलेगा। हाँ बैठे ना आप लोग, बैठे नहीं कुछ इसका देखिए ना,
इसने कभी मेहंदी पकड़ी नहीं थी इसकी उपलब्धि मैंने कभी नहीं लगाई थी मैम को थैंक यू जो मैम ने इतने अच्छे से सिखा दी और आगे भी मैं कोशिश करूंगी मैम के आते जा मैम मेहंदी लेना एक फेस भी ले लेना बताइए क्या नाम है आपका मेरा नाम रितिका जैन है मैं कस्तूरबा महाविद्यालय की छात्रा हूँ हमारे यहाँ पे मेहंदी का प्रशिक्षण शुरू हुआ ये प्रशिक्षण बहुत सफलता प्राप्त की है और यहाँ पे हम कुछ ऐसी भी गर्ल्स थी जिन्हें बहुत कुछ भी नहीं आता था हमारी जो सिखाने वाली गुना की बेस्ट मेहंदी डिज़ाइनर मिसेस तस्लीम यहाँ पे आए थे उन्होंने यहाँ हम लोगों को सिखाया और इतने अच्छे से एक एक चीज़ बताते थे कि हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई और इस चीज़ का पूरा श्रेय मैं मैम को देना चाहूँगी और हमारे यहाँ की जो प्राचार्या है जिन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रशिक्षण लगाया इसके दो फायदे हैं एक तो हमारे पूरे भी हमारे भारत में कई प्रकार के त्यौहार होते हैं वहाँ पर हमको अनेक बार मेहंदी का उत्सव होता है वहाँ हमें लगाना पड़ता है परंतु अगर आज देखा जाए तो मेहंदी एक प्रोफेशन की तरह है हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं आज भी कहीं भी शादी वगैरह में लगाने जाया जाता है तो वह 2500-3000 पर रुपए एक लड़की को मिलता है जिससे उसकी आजीविका बहुत अच्छे से चल सकती है तो एक हिसाब से बहुत अच्छा है ये हम आगे प्रोफेशन भी इसको बना सकते हैं जो चाहते हैं तो इसके लिए मैं अपने कॉलेज की जो प्राचार्या हैं हमारी जेन मैम है जिन्होंने बहुत सहयोग जिनका हमें रहा यहाँ पर और हमारी मिसेस तस्लीम मैडम जिन्होंने हमें सिखाया ये हमें बहुत अच्छा लगा और ये बहुत सफलता प्राप्त की और आगे भी हम इनसे कहेंगे मैम से कि वो यहाँ आए और बहुत अच्छे से हमें ऐसे ही अलग अलग चीज़ें सिखाएं जिससे कि हम सब लोग आगे जाके रोज़गार प्राप्त कर सकें मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की जो ये योजना थी कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने स्वरोजगार से ही जुड़े सेवा क्षेत्र पर निर्भर ना रहें और स्वयं का रोजगार करें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें उसमें हमारा ये प्रशिक्षण जो चला है 30 दिवसीय ये 100% सफल हुआ है प्रशिक्षण के दौरान छात्राएं इस विधा में पारंगत हुई हैं और साथ में 5-6 लड़कियों को 30 दिन के अंदर ही वर्क ऑर्डर भी मिले हैं काम करने के लिए और कल को उनका भविष्य इतना उज्जवल है कि वो अपने साथ 8-10 लोगों को ट्रेंड भी करेंगी और ट्रेनिंग सेंटर के रूप में गुना में अपने व्यवसाय को मेहंदी जैसी कला के रूप में स्थापित करेंगी और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे इस प्रशिक्षण की ये रही है कि डिमांड आ रही है वापस से कि अभी मेरे पास कल ही बहुत सारी लड़कियों का लिखित में आया है कि ये वापस से करा जाए एक बैच और हम लोग तैयार हैं क्योंकि इस संख्या सीमित थी 40 छात्राओं को हमने प्रशिक्षित किया है तो वापस से 40 और तैयार हैं कि आप मांग कीजिए और हम पुनः दूसरा जो बैच है वो सीखने के लिए तैयार है तो हमारे इस विधा का चयन की बड़ी उपलब्धि सफलता ये है कि एक वर्ष में 2 बार जो है छात्राओं की तरफ से डिमांड आई है और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल रहा है मैं धन्यवाद देती हूँ उच्च शिक्षा विभाग को कि जिन्होंने हमें आर्थिक रूप से सहयोग देकर और इस प्रशिक्षण का संचालन करने में हमें कामयाबी प्रदान की है ये लड़कियों ने यहाँ पर मेहंदी इतनी अच्छी सीखी है कि इनको मैं अपने साथ ऑर्डर पर ले जा रही हूँ मतलब इतनी अच्छी इनको आ चुकी है मेहंदी कि ये खुद कमा के अपना घर अपनी आजीविका चला सकती है विगत दिनों बेंगलुरु में एक वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की निर्मम हत्या के विरोध में गुना जिले के लगभग सभी पत्रकार कलेक्टर राजेश जैन से मिले और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा साथ ही ये भी अपील की गई कि पत्रकारों के साथ देश में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जिन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए वहीं सभी पत्रकारों ने गौरी लंकेश की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा भी की आज हम सब लोग पत्रकार साथी गुना के इकट्ठे होकर यहाँ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए हैं बेंगलोर में जो कल हमारी वरिष्ठ पत्रकार साथी गौरी लंकेश की जो निर्मम हत्या हुई है उसके संबंध में सब एकजुट होकर उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए ये निंदनीय घटना है और इस घटना की हम सब लोग निंदा करते हैं इसी के लिए हम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय को इस तरह की घटनाएं पत्रकारों के साथ बंद होनी चाहिए ये गलत काम है देश के लिए पत्रकार एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसका काम होता है आईना दिखाने का समाज का राजनीतिकों का और वो अपना काम करता है उसी के तहत अगर कोई इस तरह से अत्याचार करके और हत्या जैसे जघन्य अपराध करे तो ये घोर निंदनीय है ये बंद होना चाहिए यही हमारी मांग है मध्य
मध्य प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने आज कलेक्टर राजेश जैन से मुलाकात कर उन्हें अपने साथी इंजीनियरों की सेवा समाप्ति के विरोध दर्ज कराया। डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि यह कार्रवाई षड्यंत्र पूर्वक की गई है, जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है। क्या डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से श्रीमान जिला जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। आए दिन जिला प्रशासन द्वारा हमारे एक सब इंजीनियर को सेवाएं समाप्त की जा रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में सारा निर्माण कार्य पूरे प्रदेश के अंदर जिला प्रथम नंबर पर आया है। अब उसके बाद सारा काम हमारे सब इंजीनियर साथी करते हैं। उसके बाद हर बार जो एक न एक सब इंजीनियर को सेवाएँ समाप्त की जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक वर्ग विशेष के साथ जो विद्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर के कैलाश मान खड़े जो है ये कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारी ये मांग है कि इस तरीके से कोई भी आरोप लगा देगा सत्यता तो कार्यस्थल पर जा कर के उस सब इंजीनियर से पूछो, जिस सब इंजीनियर का जिले में तीसरे नंबर पर नाम था टॉप लेवल काम करने में, उस सब इंजीनियर की सेवा समाप्त की जा रही है। फिर आखिर कर्मचारियों का आखिर धनी धोरी कौन होगा, कौन देखेगा इन बातों को कि हम लोग रात दिन ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के काम करा रहे हैं, उसके बाद आए दिन सस्पेंशन हो, सेवाएं समाप्त कर देना। एक किसी व्यक्ति को नौकरी मिलना कितना आसान होता है, आज 10-10 साल पुराने जो साथी है उनकी सेवाओं को समाप्त किया जाना, आज उनके परिवारों को क्या हुआ, ये तो उनके साथ जाती है। हम अभी निवेदन कर रहे हैं श्रीमान जिला जी महोदय से, अगर उस पर सुनवाई नहीं की तो हमको जन आंदोलन करने के लिए बात करना पड़ेगा। बड़ा जैन मंदिर गुना में आज श्रद्धालुओं को देखने को मिला एक चमत्कार। यहाँ सुबह जब 5 बजे मंदिर के द्वार खोले गए, यहाँ लोगों ने देखा कि भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा के गले से पानी निकल रहा है, जो कि स्वतः ही निकल रहा था। देखते ही इस चमत्कार की बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, जिससे वहां पर भक्तों का तांता लग गया। कई घंटों तक इसी तरह से भगवान का अभिषेक भी होता रहा। सुबह करीब जैसा दुर्गा प्रसाद माली जी ने बताया, सुबह 4:30 बजे उन्होंने गेट खुला मंदिर जी का, मंदिर प्रांगण में अंदर आए, लाइट वगैरह ऑन की, तो ये भी दर्शन करते हैं सुबह से भगवान के। दर्शन किए तो जैसे ही इनकी निगाह पड़ी कि जलधारा कोटों पे से और शोल्डर पे से बह रही है, तो जलधारा को देख कर इन्होंने सभी को सूचित किया, हम लोग भी आए और देखा, और ये चमत्कार और अतिशय भगवान का। लोगों ने क्या हजारों हजार लोग आ गए, फिर तो 5:30 बजे तक सभी लोगों ने, कौन से भगवान है ये, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान है, और ये अतिशय ही है और चमत्कारी है कि भगवान की जलधारा तो यहाँ से बह ही रही है लेकिन नाभि से नीचे नहीं जा रही है, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार और अतिशय है। शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांग संघ ने न्यायालय परिसर रावगढ़ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं न्यायालय परिसर की ओर से दिव्यांग संघ के सभी सदस्यों को सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। साथ ही न्यायाधीश प्रकाश दुबे के द्वारा प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में वृक्ष किस प्रकार सहायक है, इस बात पर भी प्रकाश डाला गया, एवं सभी दिव्यांगों को इस कार्य के लिए न्यायाधीश की ओर से प्रोत्साहित भी किया गया। कार्यक्रम के जिला सचिव सुनील पंत ने बताया कि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी विचारधारा से ही दिव्यांग हो सकता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के समूचे विश्व में नए नए कीर्तिमान अर्जित किए हैं और कठिन से कठिन कार्य को भी दिव्यांगों ने अपने परिश्रम से संभव कर दिखाया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांग संघ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। करूंगा कि
क्या नाम है दादा का? नाम अनाउंस करो। जयदा लाल जी का स्वागत करें। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। डीजेना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।